आज मैं अपने वीडियो को शूट करने अपने गांव के एक राफो नामक स्थान पर जा रहा हूं, जिसका एक काफी बड़ा इतिहास है। राफो दो अक्षर के मेल से बनता है। रा का मतलब किन्नौरी में 100 होता है और फो का मतलब होता है हिरन। जैसे कि हाल ही में चमोली में ग्लेशियर के टूटने से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, वैसे ही यहाँ पर भी किसी जमाने में वैसे ही ग्लेशियर टूटा था, जो कि अपने साथ लगभग 100 हिरन को अपने साथ बहा कर लाया था। जंगली एरिया होने के कारण यहाँ पर जान की नहीं बल्कि माल का काफी नुकसान हुआ था, तभी से इस स्थान का नाम राफो पड़ा। हेलो एवरीवन, दिस इज मी दीपू नेगी, होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में हम अपने गांव के एक हिस्से को एक्सप्लोर करेंगे, जिस हिस्से का नाम है दोस्तों राफो। और दोस्तों, ये राफो एक काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है और वहाँ पर हमें काफ़ी सारी स्नो भी देखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों, वहाँ पर आज हम जाएंगे और करेंगे काफ़ी सारी मस्ती और करेंगे उस जगह को पूरा एक्सप्लोर। और दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप करिए देखिएगा और वीडियो पर बने रहिएगा, तभी आप लोग दोस्तों वीडियो को अच्छे तरीके से जान पाएंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए दोस्तों करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो चलिए दोस्तों, पहुंच चुके हैं बुरन घाटी की नदी पे। और इस नदी पर दोस्तों ये एक लकड़ का पुल बनाया गया है और ये रास्ता जाता है सीधा उस पहाड़ पर जहां पर कि हमें आज जाना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। अभी आप लोग यहां पर देख सकते हैं रास्ते पर बर्फ़ पड़ी है। ऐसा इसलिए है दोस्तों, ये बर्फ़ जो है अभी तक सूखा नहीं है, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम है, क्योंकि ये नदी किनारे की साइट है। तो आप लोग खुद भी समझ सकते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा। तो अभी चलते हैं। जितनी हाइट पर चलते जा रहे हैं और यहाँ पर चढ़ाई उतनी ही बढ़ती जा रही है, बट हम इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये सब नॉर्मल बातें हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर रास्ते किस प्रकार से है और ये देख सकते हैं आप, हमें चट्टानों के बीच से होकर निकलना पड़ रहा है। तो चलते हैं, चलिए। तो दोस्तों, इतने दिन मेरे व्लॉग्स चैनल पर नहीं आ सके, उसके पीछे का कारण दोस्तों मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों आप लोग भी सोच रहे होंगे इतने दिन हो गए और दीपू नेगी के अभी तक व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, मेरे बीच में कुछ पेपर्स स्टार्ट हो चुके थे और उन पेपरों को देते हुए मुझे जो है कि पेपर में कॉन्सेंट्रेट करना था, जिस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना रहा था। और आज मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक व्लॉग शूट कर देता हूं, ताकि मेरी जो YouTube फैमिली है उनके साथ मैं एक अपने दिनचर्या को शेयर कर सकूं। दोस्तों, आप यहां पर रास्ते देख लीजिए किस प्रकार से ये टूटे हैं और हमें जो है कि ये कोना पकड़कर जाना पड़ेगा। दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे ही जगह जगह पर बैठने के लिए स्थान बनाए जाते हैं,
क्योंकि दोस्तों आप समझ ही सकते हो कि जब आप इतनी चढ़ाई चढ़ोगे तो आपकी सांस फूलने लगेगी और आपका जो स्टेमिना है वो भी ख़त्म होने लगेगा। तो उस वजह से हमें बीच बीच में बैठकर रेस्ट करना पड़ता है। तो अभी हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और तब तक आप लोग देखिए वादिया। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम कितनी हाइट पर पहुँच चुके हैं, और गलती से भी अगर हम यहाँ से नीचे चले गए तो हमारा बचना मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल। और ये देख लीजिए दोस्तों, ये है मेरा गांव ब्रुआ और इसका व्यू हम ऊपर से दिखाएंगे आपको क्लियर। तो दोस्तों आप लोगों को मैं एक जानकारी और दे देता हूँ, जिस पुल से दोस्तों हम होकर आए हैं उस पुल में सन 2000 में बाढ़ आई थी, जिस वजह से दोस्तों हमारे गांव ब्रुआ को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा था। क्योंकि दोस्तों जब बाढ़ आई थी तो दोस्तों काफ़ी सारे बागीचे और हमारे गाँव का एक जो सरकारी स्कूल था वो भी दोस्तों उस पानी के साथ चले गया था। और अभी मैं आप लोग को वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर कि वो स्कूल था और अब वहाँ पर एक फुलियाज का जो है कि ग्राउंड बन चुका है। तो दोस्तों देखिए आप लोग, मिनट हो चुके हैं हमें रेस्ट करके और अभी निकलते हैं यहाँ से ऊपर। तो चलिए दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं, हम वहाँ से आए थे उस पुल से होकर और अभी आप लोग देख सकते हैं हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं। और अभी हमें जाना है यहाँ से भी ऊपर और इस जगह से भी काफ़ी ऊपर जाना है। तो दोस्तों अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं राफो के पहाड़ पर और अभी आप लोग दोस्तों यहां से नज़ारे देख लीजिए कितने ही प्यारे हैं। ये दोस्तों नीचे जो आप लोग को ये गांव दिख रहा है, ये है मेरा गांव दोस्तों और इस गांव का नाम है ब्रुआ। आप लोग देख सकते हैं कितना ही प्यारा है ये। तो दोस्तों जैसे ही हम पहाड़ पर पहुंचे और हमें यहाँ पर स्नो देखने के लिए मिल चुकी है और आप लोग ये नज़ारा देख लीजिए दोस्तों, ये है सामने बुरनघाटी के पहाड़। और अभी चलते हैं हम यहाँ से ऊपर और इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं।
सेकंड लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और आप लोग यहां पर देख सकते हैं नज़ारे। ये काफ़ी पुराने ये स्पेन के पोल्स लगाए गए हैं जो कि अभी इस टाइम काम नहीं करते, ये जो है अब पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। ये सामने देख लीजिए दोस्तों आप, ऊपर ये है ब्रुआ का कंडे और वहाँ पर दोस्तों अभी भी बर्फ़ है, आप लोग देख सकते हैं। और बुरन घाटी पर तो क्या ही बोलना, वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है। और ये जो आपको सामने नीचे जंगल दिख रहा है, इस जंगल से दोस्तों गांव वाले लकड़ ले जाने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जब किन्नौर में रोड नहीं हुआ करती थी उस समय दोस्तों जब किसी व्यक्ति को एक गांव से दूसरे गांव तक आना जाना पड़ता था या उसे कुछ काम पड़ता था तब दोस्तों वो पैदल रास्ते का इस्तेमाल करते थे। और यहां पर भी दोस्तों सेम वही बात है। ये जो दोस्तों आप लोगों को यहाँ से परे के लिए ये जो रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता जाता है सीधा शौंग गाँव के लिए। और जब यहाँ पर रोड्स नहीं हुआ करती थी तो लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे। तो हम भी इस ट्रैक को करेंगे। अगर आप लोग मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताओगे कि आप इस ट्रैक को करिए और हमें बताइए तो हम इसको ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों अभी आपको मैं क्या ही बताऊं, आप लोग नज़ारे ही देखिए क्योंकि हमें भी नज़ारे देखने का काफ़ी शौक़ है और दिखाने का भी। तो देखिए दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी को मेरी ये आज की वीडियो कैसी लगी मुझे बताना कमेंट करके। और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो पर कमेंट करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं घर के लिए और ये रास्ता हमारा सीधा घर ले जाएगा, तो चलते हैं, बाय।